तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। जी हाँ गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं सस्ती माइनक्राफ्ट, यानी कि क्राफ्टिंग। ओके, आज से मतलब अगली वीडियो से हम इसे सस्ती माइनक्राफ्ट नहीं, इसके असली नाम से बुलाएंगे, यानी कि क्राफ्टिंग। तो गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं क्राफ्टिंग। और जैसे कि आप सबको जा रहे हो गाइस कि लास्ट टाइम, ओके, अभी इन्हें नहीं भेजना, अभी आपको कुछ दिखाना है। हमारा जो होम है वो लेवल 4 का हो गया था, यानी कि हमने कर दिया था खुद ब खुद, तो होगा नहीं कुछ, सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। लकड़ी काटो, बनाओ, फिर काटो, बेचो, कितना काम करना पड़ता है गाइस मुझे। और आप फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते। और इसके अलावा हमने एरिना भी अनलॉक कर लिया था गाइस, और उसके अलावा हमारा एक और आइलैंड भी अनलॉक हो गया था, जो कि है इस तरफ। तो ये रहा हमारा ओवर ब्लू वाला आइलैंड। तो इसके साथ हमारे टोटल 4 आइलैंड अनलॉक हो चुके हैं गाइस। एक तो ये वाला आइलैंड है और एक इससे आगे वाला, मैं आपको यहीं से जाकर दिखा देता हूँ ये। ओके, चला जा नीचे। अरे क्या हो गया। ओके, तो एक ये वाला आइलैंड है गाइस, और उसके अलावा एक इस तरफ आइलैंड है, जो कि है हमारा ये वाला आइलैंड। ओके, 4 आइलैंड हमारे अनलॉक हो चुके हैं गाइस। और उसके अलावा हमारा जो मेन आइलैंड है वो तो है ही गाइस। तो इस तरीके से नहीं, वैसे 4, ओके, हमारे मेन आइलैंड को मिलाकर ही 4 आइलैंड है। चलो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस, तो मैंने काफ़ी सारे कॉइन इकट्ठे कर रखे हैं, लगभग 6K, और वुड भी मैंने काफ़ी सारी इकट्ठी कर रखी है। तो ये मैंने क्यों इकट्ठी की है वो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। और अगर आप देखोगे तो हमारा जो हाउस है गाइस वो तो सिर्फ 2500 में ही हो जाएगा। तो फिर मैं इतना पैसा संभाल कर क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ अपग्रेड क्यों नहीं कर रहा, वो मैं क्यों नहीं कर रहा गाइस, क्योंकि अगर लास्ट टाइम आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमें एक नया मैप मिला था जिसका नाम है रॉकी माउंटेन। तो जब हम यहाँ पर आइलैंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक नया मैप मिलता है, जो कि है रॉकी माउंटेन। और जब हम इसमें जाएंगे तो यहाँ पर हमें आयरन मिलता है, मतलब स्टोन लगा लो, आयरन लगा लो, जो भी कह सकते हैं आप इसे। तो ये चीज़ें यहाँ से हमें मिलती है, सेम वैसी है गाइस। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपग्रेड कर कर रखा है गाइस, जैसे कि यहाँ पर ही मैंने एक मिनियन हट बना लिया है, जो कि लेवल 12 का है। और ये आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, क्योंकि गाइस ये सारी चीज़ें स्टोन की है। और इसमें हमें स्टोन मिलता है, और इसमें सिर्फ ये 4 आइलैंड ही है गाइस, आपको दिख ही रहे होंगे सारे। एक में गोल्ड है, एक में रेड स्टोन है, एक में एमरल्ड है, सस्ती माइनक्राफ्ट। ओके, और उसके अलावा ये है हमारा घर, जो कि अभी लेवल 1 का है। और मैंने इतने कॉइन्स क्यों इकट्ठे करे गए वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे इसे अपग्रेड करने के लिए 10,000 कॉइन चाहिए गए, तो इसीलिए मैंने रखे हैं। तो इसे भी बेच देते हैं जल्दी से। और वहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी वुड इकट्ठी हो गई है, तो जल्दी से उस वाले आइलैंड पर चलते हैं। ओके, तो ये आ गए हम अपने वुड वाले आइलैंड पर। तो अब जल्दी से यहाँ पर चलते हैं, और जितनी भी हमारे पास वुड है इस सभी की सभी को बेच सकते हैं। तो गाइस देखे, आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 11.7K कॉइन्स हो चुके हैं गाइस, मतलब कि हम बन चुके हैं अंबानी इस गेम के। चलो कोई बात नहीं। और इसके अलावा अगर आपको मैं अपना अपग्रेड दिखाऊं, तो मैं इस वक्त मेरा लूट बोनस वो लेवल 22 का है, और इसके अलावा स्पीड है वो मेरी लेवल 15 की है। और बाकी हम अभी ज़्यादा काम इस वाले आइलैंड पर नहीं करने वाले, ज़्यादा काम हमें अभी रॉकी माउंटेन वाले आइलैंड पर ही करने वाले हैं। और वो क्यों गाइस वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें भी हमें सेम लूट मिलती है गाइस, पहले आइलैंड पर हमें जैसे उसमें 24 वुड मिलती है एक बार में, इसमें हमें 24 स्टोन मिलते हैं। लेकिन फ़ायदा क्या है गाइस, तो अगर हम यहाँ पर शॉप में आते हैं गाइस, तो इसमें आप देख सकते हैं 5 स्टोन के बदले हमें 1 कॉइन मिल रहा है, लेकिन उसमें हमें 8 वुड के बदले 1 कॉइन मिल रहा था, मतलब कि इसमें फ़ायदा है गाइस। तो बस इसीलिए मैंने ये कॉइन इकट्ठे किए हैं, ताकि मैं वो नहीं अपग्रेड करने वाला गाइस, पहले मैं इस जगह को अपग्रेड करने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम अपना हाउस अपग्रेड कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो अब तो 15,000 होगा, 1,000 का होगा, और यहाँ पर कितना बढ़िया लग चुका है वो। तो अभी हम नहीं करने वाले गाइस, वो हम बाद में ही करेंगे। पहले हम इसका थोड़ा सा मिनियन हट जो है वो थोड़ा अपग्रेड कर लेंगे, फिर हम करेंगे गाइस हाउस को अपग्रेड। और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ से हमें 30-30 मिल रहे हैं, और इसमें रेट भी कम है, मतलब कि अगर हमें एक बार में 30 मिल रहे हैं, यानी कि हमें एक बार में कितने कॉइन मिल रहे हैं, यानी कि हम 6 बार उसको बेच सकते हैं, और एक के बदले हमें मिलता है 1 कॉइन, यानी कि हमें 6 कॉइन गाइस मिलते हैं अगर हम सिर्फ एक बार हिट करेंगे। तो मतलब थोड़ा सा फ़ायदा है गाइस उस आइलैंड से इस पर। और देखो कितनी जल्दी मेरे पास 2, ओके, वैसे मेरे पास पहले से ही पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी कितनी जल्दी 2.2K हो गए। ओके, यहाँ पर भी हमें बिल्ड करना है। ओके, इसके लिए मुझे 3,000 चाहिए। तो जल्दी से मैं सारी की सारी कलेक्ट करता हूँ गाइस, और फिर आपको मिलता हूँ। तो ठीक है, इस मैंने इसे लगभग बिल्ड कर दिया, बस 256 हो रहे थे, तो इसे जल्दी से लगा देते हैं यहाँ पर। और हमारा ये भी अब हो चुका है, तो जल्दी से अपग्रेड भी कर ही दे देंगे, क्योंकि हमें चाहिए। और हाँ गाइस, आपने मेरी नई स्किन नोटिस की, तो ये वाली नई स्किन मिली है मुझे, और इसके अलावा एक्सेस मेरी सारी ही खुल चुकी हैं, और ये वाली सबसे बढ़िया लगती है मुझे। और फिलहाल मैं यही यूज़ कर रहा हूँ गाइस, तो जल्दी से थोड़े से और माइन करते हैं। और उसके अलावा हमारा काम तो हो गया है, क्या मैं अभी इसे अपग्रेड कर, ओके, पहले मुझे स्टोन बेचना भी तो पड़ेगा ना। तो जल्दी से वापस से आते हैं अपने आइलैंड पर, और मुझे नहीं चाहिए कोई बंसी, जल्दी
1.6K हो चुके हैं मेरे पास, तो आई थिंक अब एक लेवल में तो अब वो अपग्रेड हो ही जाएगा। ओके, अरे घूमर घूमर बंद कर, और अरे क्या हो रहा है गाइस। ओके तो जल्दी से इसे अपग्रेड कर देते हैं गाइस, तो इन्हें मैं ऑफलाइन अपग्रेड कर लूँगा गाइस, और उसके अलावा थोड़े से कॉइन भी इकट्ठे करके रखेंगे। ओके इस आयरन का हमारा काम हो चुका है गाइस, तो अब जल्दी से अपने वुड वाले आयरन पर चलते हैं, उसे भी तो आगे अपग्रेड करना है गाइस, क्योंकि आयरन तो इसमें भी है काफ़ी सारे। मैं एक बार देखता हूँ कि इसमें और कितने आयरन है गाइस। ओके इस तरफ, ओके इस तरफ अभी एक और आइलैंड है, उसके लिए होम लेवल 5 चाहिए अभी, यानी कि 2.5K। तो देखते हैं गाइस अगर हो सका तो आज की वीडियो में हम उसे भी कर देंगे। ओके तो होम लेवल 5 पर हमारे दो आइलैंड खुलेंगे गाइस, ठीक है। ओके तो इसके आगे आई थिंक, आई डोंट थिंक इसके आगे कोई आइलैंड है, और आई थिंक इस वाले आइलैंड पर अगर मैं वुड काटूंगा, जो कि अभी नहीं काट पा रहा, पता नहीं गाइस जैसे ही मैं वीडियो चालू करता हूँ पता नहीं कैसे इसे क्या हो जाता है, मैं वुड काट ही नहीं पाता। अब काटूंगा नहीं काटूंगा पता था मुझे। ओके और आई थिंक उस आए, हाँ उस आइलैंड से आगे कोई आइलैंड नहीं है, और एक बार मैं इस तरफ भी देख लेता हूँ कि क्या इस तरफ कोई आइलैंड है। ओके इस तरफ भी कोई आइलैंड नहीं है, तो आई थिंक हमारा जो लेवल 5 का हाउस होगा गाइस वो फुल हाउस होगा, तो आई थिंक मुझे पहले इसे ही अपग्रेड कर देना चाहिए। तो जल्दी से बेचते हैं अपनी वुड। ओके तो काफ़ी सारी हो चुकी हैं, लेकिन आई थिंक मुझे उसी वाले आइलैंड पर चलना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी मिल जाएंगी सारी चीज़ें। ओके तो यहाँ पर से तो मुझे एक बार में मिलेंगे, कितने मिलेंगे एक बार में मुझे 24 × 3, तो मुझे ये तो नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे 30 मिलेंगे, तो यही ठीक है 30 × 3 मिलेंगे जितनी बारी मैं करूँगा। तो जल्दी से मैं थोड़े से कॉइन इकट्ठे करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास इसमें कितनी जल्दी इतना 8.3K स्टोन इकट्ठा हो चुका है, और अभी 9K भी हो जाएगा देखना। ओके तो इसे तोड़ते हैं और इसे कलेक्ट करते हैं। ओके और उसमें मुझे इतना स्टोन इकट्ठा करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था वुड वाले में, तो मतलब इसमें हमारा फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा जल्दी चीज़ें इकट्ठी हो रही है, और इसमें हमें कॉइन भी ज़्यादा मिल रहा है उस वुड वाले के मुकाबले, तो इसलिए आई थिंक हमें यहाँ पर यह, और आई थिंक उस लेवल 5 उसका लास्ट अपग्रेड है, इसीलिए फिर हमें यहाँ पर आना पड़ेगा और इसे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा ये वाला आइलैंड जो है, मतलब जो हाउस है, वो इतना महंगा अपग्रेड हो रहा है गाइस। ओके तो जल्दी से ये वाला भी इकट्ठा करते हैं। ओके 10K हो गए हैं मेरे पास, तो आई थिंक इससे मुझे इनफ कॉइन तो मिल ही जाएंगे, तो जल्दी से इन्हें बेचते हैं। ओके तो 2.9K मेरे पास हो चुके हैं, तो अब जल्दी से चलते हैं अपने वुड आइलैंड पर। ओके तो लोड हो चुकी है हमारी गेम, और यहाँ पर तो बहुत कम वुड है मेरे पास, वुड थोड़ी सी कम यूज़ करते हैं अब हम, क्योंकि अब अपग्रेड हो चुके हैं। ओके तो जल्दी से अपने हाउस का अपग्रेड करते हैं। ओके नहीं ये अब ये एक बार और अपग्रेड होगा, यानी कि लेवल 6 में भी अपग्रेड होगा गाइस जी, तो एक बार देख के आते हैं। सॉरी नवे नहीं, नए आइलैंड पर क्या क्या खुला है हमारा। तो एक आइलैंड तो हमारा यहाँ पर खुलना था, तो जल्दी से यहाँ पर एक ब्रिज बिल्ड करते हैं। ओके तो ये ब्रिज बिल्ड हो चुका है। ओके तो सैंड आइलैंड खुल चुका है, यानी कि अब हम ग्लास भी बना सकते हैं माइनक्राफ्ट। ओके तो मेरे पास वुड खत्म हो चुकी है, तो आई थिंक यहाँ से मुझे ज़्यादा वुड मिलनी चाहिए। ओके 33 वुड मिल रही है मुझे यहाँ से, तो जल्दी से इस वुड को कलेक्ट करता हूँ इस। ओके और इसी वुड का जूस मैं इसे बनाने में करूँगा। ओके और इतनी जल्दी मेरे पास 1.6K इसमें इसलिए हुआ गाइस, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारे बिल्डर लगा रखे हैं, उसमें अभी मैंने ज़्यादा बिल्डर भी नहीं लगाए, इसलिए उसमें थोड़ा कम हो रहा है। ओके अरे टूट जा लगातार, क्यों नहीं तोड़ रहा ये। ओके आई थिंक अब ये बिल्ड हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर भी बिल्ड हो चुका है, इसे अपग्रेड कर देते हैं जितना हो सकता है। और इसके आगे कोई है? ओके इसके आगे कोई आइलैंड नहीं है, और एक बार देख लेते हैं। आई थिंक जो हमारा दूसरा वाला आइलैंड है ना गाइस, उसके आगे हो सकता है कि एक आइलैंड हो, इसीलिए अभी तक हमारा जो हाउस है वो अभी भी अपग्रेड हो रहा है, तो जल्दी से देख कर आते हैं आइलैंड। मुझे पता नहीं था गाइस कि इसमें हम नीचे भी गिर सकते हैं, मैंने तो सोचा इसमें हम नीचे गिर ही नहीं सकते कभी, इसलिए मैं ऐसे ही चल पड़ा गाइस, लेकिन हद है, मुझे तो पता ही नहीं था इसमें हम नीचे भी गिर सकते हैं। ओके मुझे ध्यान ध्यान से धीरे धीरे से जाना पड़ेगा, ताकि फिर से मैं नीचे ना गिर जाऊँ। ओके 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 थोड़ा सा और जाएगा, और ये आइलैंड वैसे काफ़ी ज़्यादा दूर बनाया है इन्होंने। ओके तो ये भी बिल्ड हो गया, चलो अच्छी बात है, और यहाँ पर भी कोई और आइलैंड तो है नहीं, तो फिर हाउस किस प्रकार का अपग्रेड करें। आई थिंक हाउस अपग्रेड करने से हमारी कोई नई चीज़ खुलेगी गाइस। तो ठीक है आज की सब वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जितनी हो सके उतनी शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस, क्या कर रहे हो। तो ठीक है इस आज की सब वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।